देश को मोदी जी की ज़रूरत है, और मोदी जी तभी आएंगे जब मध्य प्रदेश, राजस्थान या कह लीजिए जो हमारे हाथ हैं, अंग हैं, ये मजबूत रहेंगे तभी जो है ये संभव हो पाए। तो आज तो करणी सेना का प्रोग्राम था, उसमें भी आपने कार्यकर्ताओं को समझाया, तो क्या ये मध्य प्रदेश की चुनाव की तैयारी है कि आप करणी सेना को भी बोलना है कि आपको बीजेपी को सपोर्ट करना है? करणी सेना का नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम है। यूपी के कैसरगंज से बीजेपी के सांसद और बाहुबली नेता बृजभूषण शरण सिंह लगातार चर्चा में रहते हैं। पिछले कुछ दिनों पहले वो महिला पहलवानों के लगाए गए आरोपों को लेकर खूब चर्चा में रहे। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत पर बाहर चल रहे बृजभूषण शरण सिंह इस वक्त मध्य प्रदेश में सक्रिय हैं। हाल ही में वो इंदौर में करणी सेना के कार्यक्रम में पहुंचे। अब आप बोलेंगे कि ऐसा तो कोई भी सांसद कर सकता है, लेकिन आपको बता दें कि करणी सेना राजपूतों का बड़ा संगठन है और बृजभूषण शरण सिंह भी राजपूत हैं। उनका अपने समाज पर बड़ा प्रभाव है, ऐसे में करणी सेना के कार्यक्रम में उनके जाने को लेकर काफी चर्चा है। दरअसल मध्य प्रदेश में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव में मौजूदा बीजेपी सरकार के सामने काफी बड़ी चुनौती है, लेकिन इस चुनौती को करणी सेना और मुश्किल बना रही है। वो मध्य प्रदेश में 21 सूत्री मांगों को लेकर सरकार को घेर रही है। हाल ही में करणी सेना ने यह भी कहा है कि अगर राजपूतों को टिकट नहीं दिया गया तो वो निर्दलीय प्रत्याशी उतार देंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि इससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि क्षत्रिय बीजेपी का कोर वोटर रहा है। यही वजह है कि बृजभूषण शरण सिंह के करणी सेना के कार्यक्रम में जाने को इससे जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन जब इस पर बृजभूषण शरण सिंह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को गैर राजनीतिक बताया। पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, लेकिन चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हूँ और राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ा रहा हूँ बहुत, तो इतना जरूर कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है पूरी लगन से, मेहनत से, निष्ठा से भारतीय जनता पार्टी के लिए कमर कसें, क्योंकि अभी देश में कुछ काम हुए हैं, कुछ काम अभी बाकी हैं, और देश को मोदी जी की ज़रूरत है, और मोदी जी तभी आएंगे जब मध्य प्रदेश, राजस्थान या कह लीजिए जो हमारे हाथ हैं, अंग हैं, ये मजबूत रहेंगे तभी जो है ये संभव हो पाए। तो आज तो करणी सेना का प्रोग्राम था, उसमें भी आपने कार्यकर्ताओं को समझाया, तो क्या ये मध्य प्रदेश की चुनाव की तैयारी है कि आप करणी सेना को भी बोलना है कि आपको बीजेपी को सपोर्ट करना है? करणी सेना का नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम है, ये नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम है। उसमें मैंने कार्यकर्ताओं से कुछ चीज़ें कहा है, वो आपने सुना होगा, लेकिन मैंने उसमें पॉलिटिकल चीज़ें नहीं कहा है। आपको बता दें कि एक अनुमान के मुताबिक मध्य प्रदेश में 10 से 12 फीसदी के करीब राजपूत हैं और ये बुंदेलखंड, मालवा और चंबल इलाके में अपना प्रभाव रखते हैं। 70 ऐसी सीटें बताई जाती हैं जहां इनकी संख्या औसतन 10 से 12 हजार के करीब है। ऐसे में बृजभूषण का करणी सेना से मिलना काफी कुछ कहता है। इंदौर से धर्मेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।